यूनिवर्सिटी का। ये अभी छुट्टी हो गया तकरीबन, लड़के लड़कियां सारे यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं। ये देखें यूनिवर्सिटी के बाहर का व्यू है, ये कज़न आ रहा है। तो इधर मैं बैठा था, फार्मेसी से मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी वो ली हैं। तो ये देखें ये कज़न आ रहा है अब। ये सामने रही यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का मेन गेट है ओल्ड कैंपस का। ठीक है चले, को वेलकम हो गया जी। एक न्यू विलास की तरफ भी हम रवाना हो रहे हैं बहावलपुर के लिए। इसी अभी जो है घर से निकले हैं तो विलास शुरू कर दिया है हमने, सोचा कि वीडियो की तरफ जाएँ तो आगे चल के आपको सारा का सारा माहौल दिखाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। वसीम अभी हेलीमेट पहना हुआ इसलिए इसकी आवाज़ पहनी आ रही, तो मुझे कहा कि आप अभी कैंडल बना दें। तो ये देखें मंडी, बकरा मंडी जो इधर लगी हुई है, मंडे में बना की बकरा मंडी है, बहुत रश है, बहुत लोग आए हुए हैं। चलो जी हम मिलते हैं आगे जाके, जहाँ पे हम थोड़ा स्टे करेंगे रेस्ट के लिए, रिफ्रेशमेंट के लिए। तो हम मिलते हैं थोड़ी देर में। तो अभी के लिए इतना ही काफी है, हम जा रहे हैं। अब ये देखें ये तुरंतम बना में ये देखें रश देखें। फाइनली हम पहुंच चुके हैं त्रिडम्मत बना, अब हम निकलने वाले हैं। तो बाइक पे जा रहे हैं तो देख रहे हैं बाइक के ना चैन का मसला है, चैन ना आवाज़ दे रही थी तो मैंने कहा जाने से पहले चेक करवा लें। तो ये देखें ये जैसे ही चैन ठीक होती हम निकलने लगे हैं। तो रास्ते में आपको सारे माहौल दिखाते जाएँगे जिस जिस तरह से भी जाएँगे। वैसे मज़ा आ रहा है वैसे जाते हुए, चैन ठीक हो गई है, निकलने लगे हैं। ये देखिए माहौल, ये शहर का माहौल है, ठंडा बाईपास है, ये बाईपास का व्यू सुबह सुबह का 8:30 का टाइम है, निकलने लगे हैं। पेट्रोल पंप से हमने पेट्रोल डलवा लिया है, 520 का डलवाया है। ये देखिए ये जी अब हम निकलने लगे हैं चनीकोट से, पेट्रोल फाइनली डलवा के हम निकलने लगे हैं। तकरीबन 1 घंटे में पहुँचेंगे अहमदपुर, अहमदपुर से फिर हम आगे निकल जाएंगे, तकरीबन 2.5 घंटे में भालू पहुंच जाएंगे। फाइनली पहुंच चुके हैं सवात होटल पे जो बहावलपुर के करीब है, इधर अशरफ शुगर मिल के पास। तो इधर से थोड़े रिफ्रेशमेंट करनी है, चाय पीनी है या बिरयानी खा लेते हैं, फिर निकलते हैं बहावलपुर की तरफ। अभी अभी पहुंचे हैं, ये सामान रखा है, अभी बाइक स्टार्ट है क्योंकि गर्म हो गई थी तो बंद नहीं की मैंने कहा थोड़ा 1-2 मिनट ऐसे चलती रहे। तो अब हम ये देखें KLP के ऊपर रश भी अच्छा खासा है, हम जाने वाले हैं, बस निकलते हैं थोड़ी देर में। मैंने कहा व्यूअर से थोड़ी गपशप कर लो जी। फाइनली थोड़ा फ्रेश हुआ, मुंह धोया, मुंह धोने के बाद अब अदनान भी ने ऑर्डर किया, मैंने कहा थोड़ा कैंसिल करें, अभी रेस्ट करते हैं थोड़ी देर, बैठते हैं स्टे करना है, फिर निकलते हैं, फिर देखते हैं क्या खाना है, डिसाइड नहीं कर रहा। ये सोच में लगा बैठा, पता नहीं क्या सोच है बंदे को। अदनान क्या खिला रहा है मुझे यार? नहीं यार इनकी बिरयानी अच्छा है, बिरयानी हाफ कर दे यार। ठीक है मान जा, ओके बिरयानी अच्छी है इनकी, हाफ कर लेते हैं। नहीं अच्छा है, नहीं यार आज बिरयानी हाफ खिला दे यार, कंजूस इतना भी कंजूस ना क्या कर। अभी नाश्ता करके नहीं नहीं थोड़ी देर बैठ जाते हैं, नो इशू। आज मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाता तकरीबन, मुझे लग रहा है कि टाइम मेरा यूनिवर्सिटी का मिस हो गया है। अब पता नहीं सर हैं कि नहीं है, सुबह सुबह चला जाऊँगा। तो बिरयानी खा के चलते हैं, दोपहर को खाना नहीं खाएंगे फिर। हाँ क्या मसला है? खैर कुछ नहीं है, फिर हो जाएगा, 300 से पंद्रह हो जाएगा। और ये देखें ये हालात हैं, बजट की कमी है, बेचारे की बात ठीक है लेकिन फिर भी मनवाते हैं इनको। ओए होए ठीक है इतना, ओके दादा मान गया बंदा। फैमिली बिरयानी आ गई है, हम खा रहे हैं, ये रहता है, ये बहुत ही सिंपल सा होटल है, बिहार का होटल है। ये देखें माहौल देखें, तो बिरयानी खा के ना फैमिली हम निकलने वाले हैं। तो कुछ कितने देर में पहुँच जाएंगे बहावलपुर? आधे घंटे इंशाल्लाह बहावलपुर पहुँच जाएंगे, फिर बहावलपुर पहुँच के फिर गपशप होगी, वो भी वीडियो देखाएंगे आपका बहावलपुर रूम। और आज ना काफ़ी टाइम बाद जा रहा हूँ, तक 2 महीने बाद जा रहा हूँ मैं बहावलपुर। हाँ जी व्यूअर, फाइनली हम इधर से फुली टाइम रिफ्रेशमेंट कर लिया है और चाय भी पी लिया है,
अब हम रेडी हो गए हैं निकलने के लिए बहावलपुर की तरफ। तो ये रहा पीछे सवाद होटल, सवाद होटल से निकल रहे हैं हम। ये अदनान आ रहा है, अब मैं ड्राइव कराऊंगा अदनान से क्योंकि मैं थक चुका हूँ। तकरीबन मैंने 80 किलोमीटर सफ़र मैंने किया है जो ड्राइव करके आया हूँ। अब ये करेगा अदनान, ठीक है हम निकलने वाले हैं। फैमिली हम पहुंच चुके हैं रूम पे, अब मकान पे आ गए हैं। तो बहर बहावलपुर का व्यू क्यों नहीं दिखाया क्योंकि हम थक के आ रहे थे। आज बाइक पे ना बहुत अच्छा खासा सफ़र करना पड़ा। तो काफ़ी टाइम बाद जब बंदा लॉन्ग ड्राइव पे जाए और बाइक पे जाए तो थक जाता होता है, क्योंकि पहले आदत बनी हुई थी। कुछ टाइम से हमने ये लेज़ीपन आ गया है, हम ऐसे नहीं कर रहे थे। तो अभी रूम पे पहुँचो, मैंने कहा फैमिली व्यूअर्स से थोड़ी गपशप कर लूँ क्योंकि आज हमने इधर रेस्ट करना है तो यूनिवर्सिटी नहीं जा रहा है। कल से यूनिवर्सिटी भी जाएंगे, बहावलपुर के व्यूज़ भी दिखाऊंगा। शाम को अगर कहीं गए तो मेरी वीडियो ज़रूर मिलेगी। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अभी के लिए अदनान, अभी के लिए तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। उठा हूँ, नमाज पढ़ी है, नमाज पढ़ने के बाद यूनिवर्सिटी चौक पे आया हूँ। तो ये देखें यूनिवर्सिटी चौक का व्यू है, ये मजे मजे का व्यू आ रहा है। ये सामने यूनिवर्सिटी है, ओल्ड कैंपस। तो इधर बैठा हूँ मैं, वेट कर रहा हूँ कज़न का। कज़न क्या है, ATM यूज़ करने ओल्ड कैंपस SBL बैंक में। तो जैसे भी आता है हम निकलते हैं यहाँ से। तो अभी मैं इधर उनका वेट कर रहा हूँ और आपको मैं इसका बैक व्यू भी दिखाता हूँ सारा, यूनिवर्सिटी का, यूनिवर्सिटी चौक का। ऐसे यूनिवर्सिटी चौक का बैक का व्यू है जो हम मैं आपको दिखा रहा हूँ सारा। ये कितना प्यारा व्यू आ रहा है यूनिवर्सिटी का। ये अभी छुट्टी हो गई है, तकरीबन लड़के लड़कियाँ सारे यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं। ये देखें यूनिवर्सिटी के बाहर का व्यू है, ये कज़न आ रहा है। तो हम निकलते हैं फ्रेंडली वापस। तो इधर मैं बैठा था, फार्मेसी से मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी वो ली हैं। तो ये देखें ये कज़न आ रहा है अब। तो ATM यूज़ कर लिया, अब मैं निकलने लगा हूँ। ये सामने रही यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का मेन गेट है ओल्ड कैंपस का। ठीक है चलें। हम आ गए हैं यहाँ पे सबके पास पकौड़े खाने के लिए। यहाँ रश रहता है, क्यों रश रहता है कि इनके पकौड़े टेस्टी होते हैं, समोसे भी अच्छे होते हैं। अगर आप कभी कभी भी टेस्ट नहीं करें किसी चौक के ऊपर, खान बाबा के साथ चाय टेस्ट कर लें और टेस्ट लाजमी करना है एक बार। तो बहर का आपको व्यू दिखाऊँ, बहुत ही रश है। लेकिन बहर गर्ल्स ठहरे हैं इसलिए मैं नहीं हूँ, क्योंकि कोई प्राइवेसी होती है इसलिए, क्योंकि बहर का व्यू इसलिए नहीं दिखाया कि कुछ प्राइवेसी होती है हर किसी की अपनी, इसलिए मेरे बहर का व्यू नहीं दिखाया। अब ये लेने गया है पकौड़े, हम पकौड़े खाते, पकौड़े खाने के बाद निकलते हैं वापस। तो फैमिली जी, हमारी आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।